जिसमें 8 लोग घायल होने की खबर सामने आई है। घायल और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हल्सी बाजार निवासी नकट माझी के पोती की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए बारात नगर थाना क्षेत्र के गढ़ी विशनपुर गांव से आई थी, लेकिन खुशी के माहौल के बीच लखीसराय की तरफ से आ रहा अनियंत्रित ट्रक काल बनकर आया और उसने पहले बिजली के खंभे को अपने चपेट में लिया, उसके बाद बारातियों को रौंद डाला। इस घटना में 3 बारातियों और वधु पक्ष के 5 लोगों की मौत मौके पर हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाया है और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा कर रहे। मौके पर पहुंचे एसपी मनीष कुमार, एसडी मुरली प्रसाद सिंह एवं भारी संख्या में पुलिस लोगों को समझाने में लगी है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। बारिश के पानी से इकट्ठा करने उठा बिड़ा। सामा बारिश के पानी के संरक्षण के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। हर वर्ग को पानी बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। इसी की मिसाल पेश करते हैं कंडी क्षेत्र के लोग। वहाँ अब अपने स्तर पर ही बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बना रहे, ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए। इसमें भूमिगत जल का स्तर भी बना रहे और किसानों को भी लाभ मिले। इस जागृति मिशन में यह बताया गया कि यदि बारिश के पानी को एकत्रित कर छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाए तो इसमें भूमिगत जल का स्तर भी बना रहेगा, साथ ही किसानों को लाभ मिलेगा। सैन्य वाहन पलटा, एक जवान की मौत। अखनूर गांव के पास बुधवार को सेना का एक वाहन गश्त के दौरान पलटा गया। इसमें वाहन में सवार एक जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम दिलीप सिंह दोहिया बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कराया, कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि यह हादसा चालक का नियंत्रण खोने से हुआ है। वाहन में कई सैनिक सवार थे। मुख्य सड़क पर वाहन चालक का वाहन से संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया। हादसे में वाहन में बैठे जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।